अगर आप चाहते हैं कि पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ था वो हाथ से लिखा हुआ था और उसका कोई भी ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं था, अगर आप चाहते हैं उस जन्म प्रमाण पत्र को डिजिटल बनाना यानी कि उसी जन्म प्रमाण पत्र को अपडेट करा के ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास ये वाला जन्म प्रमाण पत्र है जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जन्म प्रमाण पत्र है और आप चाहते हैं इस जन्म प्रमाण पत्र को ऐसा जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए यानी कि ये जन्म प्रमाण पत्र जो आपका ऑफलाइन हाथ से बना हुआ है उसी जन्म प्रमाण पत्र को अगर आप चाहते हैं ये वाला डिजिटल वाला जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो ये वीडियो कम्प्लीट देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी तरह का कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा, जिसके माध्यम से हम उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर आपका ऑफलाइन यानी कि हाथ से लिखा हुआ कलम से लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र चाहे वो पंचायत सचिव से जारी हो या आंगनबाड़ी से जारी हो या बल्लो की हॉस्पिटल कहीं से भी जारी किया गया वो जन्म प्रमाण पत्र हो, लेकिन अब उस जन्म प्रमाण पत्र लेकर आप आधार सेंटर जाते हैं आधार कार्ड बनाने के लिए या किसी अन्य काम में, तो उसमें आपसे नहीं लिया जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं पुराने जन्म प्रमाण पत्र जो आपका हाथ से लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र उस जन्म प्रमाण पत्र को अगर आप चाहते हैं डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे हम आपको दो स्टेप बताने वाले हैं, टू स्टेप्स के माध्यम से आपने जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र को ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे कि हमने गूगल पे आए गए हैं तो और यहाँ पे हमने क्या सर्च किया, बर्थ सर्टिफिकेट और बिहार, बिहार या आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। सिर्फ आप हमने यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट डाला है क्योंकि इसी सर्टिफिकेट से आप भारत के किसी भी राज्य से तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट डाला तो यहाँ बहुत सारी वेबसाइट आ चुकी है, तो हमें इन सभी वेबसाइट को ओपन नहीं करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली वेबसाइट जिसका URL है dc.crsorgi.gov.in, ये वेबसाइट आपको ओपन करना है। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यही वेबसाइट मैं इसको क्लिक करके इसके होम डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, आपको सिंपली से इसी वेबसाइट पे आना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का आपको वेबसाइट की इंटरफेस दिखने को मिलेगी और इसी वेबसाइट से आपको, यही ऑफिशियल वेबसाइट है न्यू गवर्नमेंट की, ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की गई जो कि आप वेबसाइट की जो होम डैशबोर्ड है कुछ इस तरह देख सकते हैं। तो आप वेबसाइट का सेंटर पेज देख सकते हैं कुछ इस तरह का। इस वेबसाइट पे आना होगा आपको। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर में लॉगिन बटन मिलेगा, सिंपली से इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे यहाँ पे जनरल पब्लिक है, सिंपली से आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे जनरल पब्लिक लॉगिन आ जाएगा। अगर आपका इस वेबसाइट पे अकाउंट बना हुआ, पहले आपने कभी इस वेबसाइट पे आया अकाउंट बनाया है तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और कैप्चर डाल के लॉगिन करके आप लॉगिन हो सकते हैं। चलिए हम, अगर आपका बना है तो बना लीजिए, यहाँ से साइन अप करके बना लीजिए। अकाउंट बनाने के मैं नया वीडियो आपको बनाऊंगा जिसे मैं आपको बताऊंगा पूरी बारीकी से, क्योंकि अकाउंट बनाने का प्रक्रिया थोड़ा लंबा है, अगर इसमें हम कोशिश करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस साइन अप बटन से आप अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका अकाउंट बना है तो ठीक है, यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं, नहीं बना है तो बना भी सकते। चलिए हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और जो भी कैप्चर यहाँ पे दिखने को मिल रहा है हमारे केस में जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो जो भी कैप्चर उसको जोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद देख सकते हैं हमारे मोबाइल पे OTP भेज दिया गया है, 6 अक्षर का OTP। तो हमारे मोबाइल पे OTP जो यहाँ पे रिसीव हो चुका है, हम यहाँ पे OTP यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये OTP देखना चाहे तो आप यहाँ पे OTP देख भी सकते हैं आपने क्या OTP डाला है, उसके बाद आपको सिंपली से लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लॉगिन बटन में क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। इस वेबसाइट से आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए नया जन्म प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, नया जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सारी चीज आपको इसी वेबसाइट से करना होगा और पुराने जन्म प्रमाण पत्र को आप नए जन्म प्रमाण पत्र में कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसी वेबसाइट से। सिंपली से आपको वेबसाइट कुछ इस तरह का सेंटर पेज दिखने को मिलेगा, जो भी आप अप्लाई करेंगे उसकी डैशबोर्ड आपको यहाँ भी दिखेगी, रेफरेंस नंबर क्या आपने क्या है, नाम क्या है, सबमिटेड कब हुआ, वो सारी रिपोर्ट आपको होम डैशबोर्ड पे ही देखने को मिल जाएगी। बर्थ के लिए कोई काम करने के लिए बर्थ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर करके नया जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अलग अलग स्टेप अलग अलग प्रक्रिया के बारे में अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया
पुराना जो जन्म प्रमाण पत्र उसको डिजिटल बनाने ऑनलाइन बनाने के लिए आपको सिंपली से बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीसरा नंबर मिलेगा ऐड ऑल्ड बर्थ इवेंट। सिंपली से इसमें आपको ऐड ऑल्ड बर्थ इवेंट जो सिंपली से इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वो फॉर्म ओपन हो जाएंगे। मैं आपको फॉर्म की एक एक चीज बारीकी से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट स्टेट, यहाँ पे करा स्टेट सेलेक्ट अपने स्टेट। यहाँ पे देखेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ इंडिया के पूरे राज्य क्या रहे, यानी कि इस वेबसाइट से आप इंडिया के पूरे राज्य के जन्म प्रमाण पत्र को आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी राज्य आ चुके हैं, तो हमारा जो बिहार है तो हमने बिहार सेलेक्ट किया। जैसे हमने बिहार सेलेक्ट किया तो बिहार के जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है, प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज वो आ चुका है। अगर आपका सेकेंडरी लैंग्वेज कुछ और है, जैसे कि पंजाब वाले के लिए पंजाबी है, जम्मू कश्मीर वाले के लिए उर्दू है, तो इस तरह आपका मतलब सेकेंडरी लैंग्वेज कुछ और है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रहता। सबसे पहले रिपोर्टिंग डेट यहाँ पे डालना है, यानी कि जिस डेट को रजिस्ट्रेशन हुआ था ये जन्म प्रमाण पत्र पे रहेगा, वो रिपोर्टिंग डेट आपको यहाँ पे डाल देना है, यानी कि जिस दिन पंजीकरण हुआ था वो। उसके बाद यहाँ पंजीकरण संख्या यानी कि जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो आपको यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। जैसे कि आप जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पुराना जन्म प्रमाण पत्र देख रहे हैं तो नीचे में आप देखेंगे पंजीकरण संख्या, यहाँ पे देखिए पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है, इस जन्म प्रमाण पत्र का जो पंजीकरण संख्या है वो आपको वहाँ पे शो कर देना है, लिख देना। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहे हैं इस केस में इसका पंजीकरण संख्या है वो इतना है, तो हम वो डाल। उसके बाद यहाँ पे पंजीकरण की तिथि यानी कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये भी आपको उस पुराना सर्टिफिकेट पे ही मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे इसी सर्टिफिकेट पे नीचे मैं आप दिखाता हूँ पंजीकरण तिथि, यहाँ पे देखिए पंजीकरण दिनांक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये तिथि आपको वहाँ पर डाल देना है। जो भी आपको यहाँ पर दिखने को मिला वही आपको यहाँ पर डाल देना है। ये सारी चीज़ आपको मिलेगा आपकी सर्टिफिकेट से नहीं है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ यानी करेगा बच्चे के जन्म तिथि क्या है, इस बॉक्स पे क्लिक करें, कैलेंडर में यहाँ पे जन्म तिथि के लिए आ जाएंगे, जो भी वो आप सिलेक्ट करेंगे फिर उसी जन्म तिथि को इस बॉक्स में आपको कंफर्म करना है। उसके बाद करेगा बच्चे का जन्म किस समय है, बच्चे का जन्म किस समय हुआ, तो वो अगर पता है तो आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे घड़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा ये जरूरी नहीं, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर देना चाहे तो यहाँ पे घड़ी आ जाएगा, आप टाइम वगैरह इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अनिवार्य नहीं, इसे कैंसिल कर दो। उसके बाद यहाँ पे लिंग पूछ रहा है, पुरुष महिला जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बच्चे का पूछ रहा है, उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे कर रहा है बच्चे का आधार कार्ड, अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आधार सेलेक्ट करके आधार डिटेल डालेंगे। अगर बच्चे का आधार नहीं बनाए तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है। उसके बाद कह रहा है बच्चे का फर्स्ट नेम, बच्चे का मिडिल नेम, बच्चे का लास्ट नेम। ऊपर में आपको बच्चे का फर्स्ट नेम अंग्रेजी में लिखना है, नीचे हिंदी में, फिर उसी तरह मिडिल नेम अंग्रेजी हिंदी, लास्ट नेम अंग्रेजी हिंदी, यहाँ पे बच्चे का डिटेल देना, बच्चे का नाम देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ भी करें कन्फर्म चाइल्ड नेम, यानी जो ऊपर में नाम डाला उसी नाम को आपको कन्फर्म करना है। यहाँ पे जो ऊपर में हमने डाला सेम नाम, यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे, अपने नाम को बच्चे के नाम को कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम है, फादर्स के फर्स्ट नेम अंग्रेजी में यहाँ पे लिखेंगे, मिडिल नेम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में और लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक इसी तरह आपको पहला नाम फर्स्ट नेम हिंदी में इसमें लिखेंगे, जैसे आप अंग्रेजी में लिखेंगे वो हिंदी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे जीशान लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुका। अगर आपका ये कन्वर्ट स्पेलिंग गलत है तो आप इसे जो सुधार भी कर सकते, यहाँ पे आपको कीबोर्ड आ जाते हैं या आप चाहे तो गूगल इनपुट टूल पे कॉपी करके वहां से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे, फिर यहाँ पे फादर्स का मोबाइल नंबर डालेंगे, फादर्स का ईमेल आईडी डालेंगे, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स का आधार नंबर डालेंगे, तो यहाँ फादर्स का आधार नंबर डाल दीजिए। इसी तरह मदर्स की डिटेल डालनी है, मदर्स की फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम हिंदी में अंग्रेजी में दोनों डालनी है। मदर्स के पास कोई मोबाइल है तो वो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी आधार नंबर। मोबाइल और ईमेल आईडी अनिवार्य नहीं है, अगर आप फादर्स का डाल दिए तो मदर का देना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मदर का आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद कह रहा है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, यानी कि बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसमें माता पिता कहाँ रहते थे। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, बच्चे का माता पिता का परमानेंट घर जो बिहार है, लेकिन बच्चे का जन्म के समय वो रह रहे थे कहीं और, दिल्ली में रह रहे थे या कहीं और रह रहे थे। तो यह पूछ रहा बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय अगर वो अपने परमानेंट एड्रेस से कहीं और थे तो वो एड्रेस आपको भरना है। तो अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस उसी एड्रेस पर अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको ये क्या इस एड्रेस को भरना है। मतलब ये नहीं कह रहा है कि उस जिले में, ऐसा नहीं कह रहा है उसी लोकेशन पर होना, उस जिले में होना चाहिए।
तो यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया, इंडिया से बाहर है तो वो सिलेक्ट कर सकते। यहाँ पे सबसे पहले अपनी एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले अपना स्टेट क्लिक करके, यहाँ पे हमने बिहार सिलेक्ट किया, आप अपने केस में अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, फिर विलेज नेम, फिर एरिया पिन कोड, फिर आपके नीचे आएंगे मकान संख्या, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम और डाकघर का नाम यहाँ पे डालना है। इससे अपने एड्रेस, पिता माता पिता का जो एड्रेस आपको फिलअप करने होंगे। उसके बाद कह रहा है माता पिता का अस्थाई पता, कह रहा है कि ऊपर जो आपने एड्रेस भरा है वही माता पिता का अस्थाई पता है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है, अगर माता पिता का अस्थाई पता ऊपर जो आपने पता डाला वो अलग है तो आप नो करके माता पिता का अस्थाई पता डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है बच्चे का जन्म का स्थान, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, घर में हुआ, अस्पताल में हुआ या अन्य जगह। अगर आप अस्पताल सेलेक्ट करेंगे तो आपको उस अस्पताल का नाम डालना होगा, यानी सेलेक्ट करना होगा इस लिस्ट में से आपका कौन सा अस्पताल में हुआ। अगर आप घर डालना चाहे तो यहाँ पे आप जन्म स्थान में क्लिक करेंगे और घर पे क्लिक करेंगे, और जैसे आपने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे पूरा घर का एड्रेस आपको पूरा डालना है। जैसे कि ऊपर में यहाँ बताया गया था, ये ऊपर में एड्रेस पूछा गया था वही एड्रेस पे हुआ है, तो आप यहाँ पे टिक मार्क लगा देंगे, जो ऊपर में आपने एड्रेस फिलअप किया है वो सारी एड्रेस आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूनिट है, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर आप ऊपर एड्रेस भरेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। ऊपर हमने एड्रेस अभी कुछ नहीं भरा है इसलिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम ऊपर एड्रेस फिलअप करते हैं तो ये हमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट तभी आपका मतलब ऑन होगा जब आपने ऊपर की पूरी डिटेल को सबमिट कर दिया, यानी कि डाल दिया। चलिए ऊपर की सारी डिटेल को हम फटाफट एक बार एंटर करते हैं, उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने ऊपर पूरी डिटेल एड्रेस भरा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन है, इसे हम ऑन करेंगे। जैसे मैं यहाँ ऑन करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है ऊपर की सभी डिटेल को फिल कीजिए तभी आप ये ऑन होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ऊपर पूरी डिटेल को आप फिलअप करेंगे तभी ये ऑन होगा। जैसे आप यहाँ ऊपर सारी डिटेल फिलअप करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ओल्ड बर्थ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि पुराना जो जन्म प्रमाण पत्र उसके रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओल्ड बर्थ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्राउज करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है कि बच्चे का जो पुराना जन्म प्रमाण पत्र है, पुराना जन्म प्रमाण पत्र को अपलोड कर दीजिए, पुराना जन्म प्रमाण पत्र को अपलोड कर दीजिए। साथ साथ पुराना जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करने के साथ साथ और माता पिता का आधार कार्ड, अगर बच्चे का आधार कार्ड है बच्चे का आधार कार्ड, ये सारी डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ बनाइए, यानी कि पुराना जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड, ये चार डॉक्यूमेंट के साथ आप पीडीएफ बनाइए। पीडीएफ की साइज 8 MB से कम होनी चाहिए। उसके बाद आप ब्राउज करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे हम अभी यही कर देते हैं सेलेक्ट, और क्योंकि हम आपको बता रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र सेलेक्ट किया, ये तो ऑलरेडी डिजिटल है, मैं दूसरा कोई अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जो अपलोड हो जाए एक बार उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट हो चुका है, फिर से हम ब्राउज करेंगे और पुराने जो जन्म प्रमाण पत्र हम अपलोड कर देंगे। जैसे हम अपलोड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्राउज, इसका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट, उसके बाद देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करने है। इस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट व्यू भी कर सकते हैं आपने क्या अपलोड किया। उसके बाद सिंपली से नीचे में नेक्स्ट बटन है, सिंपली से नेक्स्ट बटन नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला स्टेप कम्प्लीट होकर दूसरा स्टेप पे आ गया। यहाँ पे आपके द्वारा पीछे दिया गया सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, वो सारी डिटेल को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ, जिसके नाम से अकाउंट था उनका नाम यहाँ पे सूचना दाता में, यानी कि जन्म का जो सूचना हुआ इसकी जानकारी कौन विभाग को दे रहा है, जिसके नाम से अकाउंट है वो उसका नाम शो करके ऑटोमेटिक शो करता है। इसमें आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते। उसके बाद जो नीचे दस्तावेज आपने अपलोड किया वो सारे शो करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने पीडीएफ अपलोड किया है, आप इस पर क्लिक करके उस पीडीएफ को भी देख सकते हैं। उस पीडीएफ में हमने क्या क्या लगाया, बच्चे का आधार कार्ड और माता पिता सभी का आधार कार्ड हमने इस पीडीएफ में लगा दिया है। उसके बाद ये सारी डिटेल फिलअप करने के चेक करने के बाद अगर लगे आपको कुछ गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं, बैक करके एडिट, या अगर सही है सारी डिटेल तो आप कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे केस में सारी चीज सही है तो हम यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करके और आगे की प्रोसेस भी दिखाते हैं।
तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सबमिटेड हो गया, हमारा जो अप्लाई है वो हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ हमारा नहीं दिखा रहा है, इसलिए हम फिर से एक बार होम डैशबोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा डाटा यहाँ पे शो करता है और कहाँ से हम इसके स्टेटस चेक कर पाएंगे, वो अभी हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारा एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है, अब हम देखेंगे हमारा एप्लीकेशन सबमिटेड हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन सिंपली से, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने एक अप्लाई किया था जिसका यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और कैटेगरी है, टाइप है, नाम है और रिपोर्टिंग डेट है और स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, सबमिटेड हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर कुछ आता है यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह, डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह आता है तो एक्शन में हमें यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फ्लो भी देख सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से एप्लीकेशन की डिटेल, अगर आपने कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया है तो आप यहां से देख सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो वो आपको यहां पे शो करता है, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में जाता है तो आपको वो एप्लीकेशन यहां पे शो करता है, और कुछ सर्च करना है तो आप सर्च बटन में क्लिक करके अपने जितने भी एप्लीकेशन दिए हैं वो सारी को सर्च कर सकते हैं, एनएससी एप्लीकेशन देख सकते हैं, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। अभी आपने देखा मैंने ऑनलाइन घर बैठे बिना कहीं जाए बिना एक रुपये खर्च का हम घर बैठे अभी पुराने जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कन्वर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह पुराने जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपने जाना होगा पुराने जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन किस तरह आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना मिलेगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ न्यू वीडियो के साथ।